नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पांच ऐसे लग्नों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि इन पांच लग्न में जन्म लेने वाला इंसान सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा सफल और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब आप एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं पांच लग्न आपको बताने वाला हूँ, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि बाकी के बच्चे सात लग्न बेकार है या उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती। दरअसल हर लग्न या हर राशि के अंदर एक ना एक क्वालिटी ऐसी जरूर होती है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। और लग्न राशि ही क्या, हर इंसान के अंदर भगवान ने कोई ना कोई एक क्वालिटी ऐसी जरूर दी है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। और अगर वह क्वालिटी का सही आप यूज करें तो वह दूसरों से ज्यादा सफल हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हर इंसान टाइम रहते अपने उस क्वालिटी को समझ नहीं पाता। अब जब उसे वह समझ नहीं पाता तो उसे इस्तेमाल भी नहीं कर पाता, जिसमें हम लोग बात करेंगे हर एक लगन की विशेषताओं के बारे में, उनकी कौन सी क्वालिटी है जिनको उन्हें और इम्प्रूव करना चाहिए, जिन कमियों पर उनको ध्यान देना चाहिए और उनके लिए सबसे अच्छी जेमस्टोन क्या है वो भी बात करेंगे। कौन से मंत्र की, कौन से देवी देवताओं की विशेष आराधना करके वे अपने जीवन को और सफल बना सकते हैं और लाइफ के कौन कौन से फेस पर उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन पाँच लग्नों के बारे में जिन लग्न के लोगों को कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा सफल और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। ऐसा क्यों होता है वह भी मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुक्रदेव के उस लगन के बारे में जिन लगन को लोगों को सबसे ज्यादा सीधा और सबसे ज्यादा मेहनती कहा जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वृषभ लगन की राशि के बारे में, यानी कि वृषभ लगन के बारे में। जिन लोगों का लगन दो नंबर से, यानी कि जिन लोगों के लगन में दो नंबर लिखा हुआ है उनका वृषभ लगन है। यह शुक्रदेव की राशि है और तीन नक्षत्र से मिलकर बनती है। पहली कृतिका नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, उसके तीन चरण यानी कि तीन स्टेप मिलकर। दूसरा रोहिणी नक्षत्र के चार चरण यानी कि चार स्टेप। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है। और तीसरा मार्गशीर्ष नक्षत्र, अब आप इसको मृगशिरा नक्षत्र भी कहते हैं, यह मंगल का नक्षत्र है। इसके दो चरण या तीन नक्षत्र से मिलकर यह लग्न बनता है और यह शुक्रदेव का लग्न कहा जाता है। ऐसे लोग सीधे होते हैं, शांत होते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं। दरअसल वृषभ लगन के लोगों को जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि यह बहुत मेहनती होते हैं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है बैल, जिसे हम नंदी के रूप में पूजते हैं। सोचिए ऐसी राशि है, ऐसा लगन है जो महादेव के परम भक्त को प्रदर्शित करता है। बैल अपनी कंसिस्टेंसी के लिए भी जाना जाता है और उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी, यूं ही तो उसको महादेव का परम भक्त तो नहीं बोला जाता। वृषभ लगन के लोग होते हैं ना नेचुरल ब्यूटी पसंद करते हैं। देखिएगा, अगर आप वृषभ लगन के हैं तो आप लोगों को वह लोग कभी पसंद नहीं आएंगे जो बहुत मेकअप करते हैं या बहुत दिखावा करते हैं। आप सीधा सिंपल लोगों को पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत लेबोरियस होते हैं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब का होता है। अपनी तरफ से कभी भी ना तो झगड़ा शुरू करते हैं ना ही लड़ाई बढ़ाने का काम करते हैं। अगर एक बार वृषभ लगन का इंसान नाराज हो जाए तो जितना देखने में शांत रहता ना उससे 10 गुना ज्यादा उग्र भी हो जाता है। कहते हैं कि अगर वृषभ लगन के इंसान को गुस्सा आ जाए तो वह बाकी के बचे सभी लोगों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यह अपने दुश्मन को फिर ढूंढ ढूंढ के मारते, क्योंकि यह राशि जो है ना, जो यह लगन है, यह बहुत ही पावरफुल है। इसके पंचम भाव में बुध की राशि बनी हुई है जो यह दिखाती है कि तार्किक होते हैं, फैक्चुअल चीजों को समझते हैं और इनका दिमाग काफी शार्प होता है। नवम भाव में शनि की राशि बनी होती है जिससे हमें पता चलता है कि इनका भाग्य धीरे धीरे इनका सपोर्ट करता है। लेकिन एक बार जब ये रफ्तार पकड़ लेते हैं तो ये पीछे पलट के नहीं देखें। और उनका जो कर्म भाव है 10th हाउस, उसमें भी शनि की राशि यही दिखाती है कि ये पूरी तरह कर्म में भरोसा करने वाले होते हैं। वृषभ लगन के लोगों को ज्यादातर देखा होगा कि वह आपको कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देंगे, कभी भी खाली बैठे हुए नहीं दिखाई देंगे। वृषभ लगन के लोग दोनों ही क्षेत्र में आपको सफल दिखाई देंगे, पहला बिजनेस करते हुए, दूसरा नौकरी करते हुए, क्योंकि यह बहुत ही मेहनती होते हैं। अगर यह जॉब करते हैं तो उसमें भी अपना 100% देते हैं और अगर यह नौकरी करते हैं तो उसमें भी अपना 100% देते हैं। तो आप देखिएगा कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें आपको वृषभ लगन के लोग बहुत अच्छी पोस्ट पर दिखाई देंगे। इसके अलावा आप देखिएगा तो आपको जो भी शुक्र से जुड़ी चीज होती है उन क्षेत्र में वृषभ लगन के लोग आपको बहुत ऊंचे लेवल पर दिखाई दे जाएंगे। ऐसे लोग अपनी क्वालिटी को सरेआम बताना पसंद नहीं करते, मतलब अगर इनके अंदर कोई अच्छे गुण है तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते, दूसरे की मदद करने का ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। जबकि बहुत हेल्पफुल होते हैं या बहुत अच्छे प्रेमी और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं,
या एक बार किसी का हाथ अगर पकड़ ले तो जल्दी उसका हाथ नहीं छोड़ते, इसलिए इनका इनको बदलाव पसंद नहीं होता। एक बार यह जिस जगह में बैठ जाए या रुक जाए उसको उस जगह से प्यार हो जाता है। यह एक इंसान को अपना दोस्त मान ले या उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो उसको बिल्कुल अपना मान लेते हैं और जल्दी बदलाव पसंद नहीं करते, चाहे जगह की बात हो या चाहे इंसान की बात हो। तो एक बार जिस इंसान को इन्होंने पकड़ लिया तो जल्दी उसे नहीं छोड़ेंगे, उनको बदलाव पसंद बिल्कुल नहीं होता। यह एक बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक भी होते हैं और हर स्थिति में अपने आपा नहीं खोते। कितने भी भयानक स्थिति आ जाए वृषभ लग्न का इंसान अपने आप को कभी भी अपना नियंत्रण खोते हुए नहीं दिखाई देगा। 11वें भाव में गुरु देवगुरु की राशि बनने का यह इशारा है कि यह दिखाता है कि वृषभ लग्न का इंसान हमेशा पैसा अच्छी जगह से कमाना पसंद करता है, लग्जरी की तरफ भागना पसंद करते हैं, क्योंकि यह शुक्र से जुड़ी राशि है। तो इन लोगों को भी आप वृषभ लग्न को देखेंगे कि इनके जो नेचर होता है ना बड़ा अट्रैक्टिव होता है, दूसरों से बातचीत करने का तरीका सुंदर दिखाई देगा और व्यक्तित्व भी इनका बहुत आकर्षक होता है। तो कहीं ना कहीं लग्जरी से जुड़ी चीज इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक चीज इनको बहुत ही अट्रैक्ट करती है। ग्रीनरी वाली जगह में रहना, पहाड़ों में घूमना पसंद करना, जंगलों में जाना या पेड़ पौधों के बीच में रहना, सिंपल ब्यूटी आपको जरूर अट्रैक्ट करती है, जो कि नेचुरल चीजें आपको अट्रैक्ट करती है। वृषभ लग्न के लोगों को व्यवस्थित चीज अच्छी लगती है, जैसे कि खुशबुएं यानी कि परफ्यूम्स वगैरह, इत्र वगैरह, कोई भी खुशबू वाली चीज़ इनको बहुत पसंद होती है। साफ सुथरे कपड़े पहनना भी बहुत अच्छा लगता है। उनके जो दोस्त होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो इन्हीं की तरह शांत सीधे और मेहनती हों। तो वृषभ लग्न अगर आप कहें तो डेफिनेटली आप समझदार भी हैं, कर्मठी भी और मेहनती भी हैं। आप लाइफ में किसी भी फेस में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपके सबसे ज़्यादा योगकारक प्लैनेट है शुक्र, बुध और शनि, जिनमें मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में यानी आप वृषभ लग्न के हैं और आपकी कुंडली में अगर शनि बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग शनि के उपाय करने चाहिए और उनको बल देना चाहिए। वृषभ लग्न के अगर शनि बहुत अच्छी पोजीशन में हो तो इसके बाद आपको फिर किसी भी प्लेनेट के सहयोग की जरूरत नहीं है। आप अपने 30 के बाद लगातार यानी कि 30 की उम्र के बाद लगातार आप प्रोग्रेस करेंगे और एक बहुत ही अच्छी पोस्ट में ज़रूर पहुंचेंगे। ऐसे लोग प्रशासनिक सेवाओं में भी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से एंट्रेंस ले लेते हैं, यानी प्रशासनिक सेवाओं में जो है इनको सफलता मिल जाती है। राजनीति को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो वृषभ लग्न वाला कर ना पाए। दरअसल राजनीति इसलिए क्योंकि लोगों को दिखावा पसंद नहीं होता और अंदर से ईमानदार होती है, इस वजह से कई बार ये राजनीति जैसे क्षेत्रों से कटते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। फिर भी राजनीति में आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग वृषभ लग्न के जरूर दिख जाएंगे। तो पहला लग्न हुआ वृषभ लग्न, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा सफल और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली, शक्तिशाली। इसके बाद बात करते हैं मिथुन लग्न, यानी कि जिनके भी लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है। मिथुन लग्न ये बुध से प्रभावित होता है। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, पहला मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है, इसके 2 चरण इसमें आते हैं। दूसरा नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, उसके 4 चरण इसमें आते हैं। और तीसरा है पुनर्वसु नक्षत्र जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, उसके 3 चरण इसमें आते हैं। मिथुन लग्न जो होता है ये बुध से प्रभावित होता है और ऐसे लोग बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। ऐसा इंसान एक बार में एक जगह बैठकर कई काम एक साथ कर सकता है, यानी मल्टी टैलेंटेड होते हैं। तीसरे भाव में सूर्य की राशि दिखाते हैं तो यह लोगों का सिर्फ दिमाग तेज नहीं होता बल्कि यह कर्म में भी बहुत आगे होते हैं और टाइम पड़ने पर जबरदस्त तरीके का अनवरत मेहनत कर सकते हैं, यानी कंसिस्टेंसी से मेहनत कर सकते हैं। आपको मिथुन लगन की एक खासियत मैं बताता हूँ, आपके अगर कोई दोस्त रिश्तेदार मिथुन लगन के हैं और वह कोई नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप उनसे जाकर मिलिए और उनसे पूछिए कि हर मिथुन लगन का इंसान बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड होता है, वह चाहे भले कितनी अच्छी नौकरी कर रहा हो लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक जगह यही चलता है कि उसे खुद का कोई बिजनेस खड़ा करना। दरअसल जो बुध होते हैं ना ये बिजनेस के कारक है और इस वजह से हमेशा जो मिथुन लग्न का जातक होता है ना वह अपने अंदर यानी कि अपने से कोई ना कोई काम करना बहुत पसंद करता है। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, ये खुद क्रिएटिव होते हैं और यह क्रिएटिविटी को भी पसंद करते हैं। अगर आप मिथुन लग्न कहें तो डेफिनेटली या तो बहुत अच्छा गाना गाते होंगे या तो आप बहुत अच्छा डांस करते होंगे, कविताएं लिखते होंगे, लेकिन कोई ना कोई क्रिएटिविटी आप में 110% आपके अंदर जरूर दिखाई देगी। पंचम भाव में शुक्र की राशि दिखाती है कि लग्जरियस लाइफ की तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे। नवम भाव में शनि की राशि दिखाती है कि भाग्य आपका भले थोड़ा उदय थोड़ा धीरे से हो लेकिन बहुत अच्छा होता है। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि दिखाती है, यह भी कहीं ना कहीं दूसरे को
परेशान करना या दूसरे को परेशान करके अर्निंग करना, ऐसा किसी काम में ये लोग भरोसा नहीं करते, यानी कि कभी किसी को परेशान नहीं करते, या वह काम करते हैं जो दूसरा इंसान सोचते भी नहीं है, यानी यह आउट ऑफ द बॉक्स पहुंचकर ये सोचते हैं। इनकी सोच बहुत ही हाई लेवल की होती है। किसी भी नए इंसान से बातचीत करना इनके लिए बहुत सहज हो जाता है, स्पीच देने के लिए बहुत सहज हो जाता है, नए नए आइडियाज इनके दिमाग में आना बहुत सहज हो जाता है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि यार जल्दी ही किसी से घुलते मिलते नहीं। हालांकि जो मिथुन लगन वाले होते हैं ना, इसका प्रतीक चिन्ह दो चेहरा या एक स्त्री और एक पुरुष का चेहरा कहा जाता है, जो दिखाता है इनकी पर्सनैलिटी को। कहते हैं कि अगर मिथुन लगन के लोग तो आपके दो चेहरा व्यक्तित्व जरूर होगा, यानी कि एक वह चेहरा जो दूसरे जानते हैं और एक चेहरा जो अंतर्मुखी चेहरा जो बहुत गिने चुने लोग इनके और जानते हैं। आप अपने स्वभाव को कैसा चाहते हैं वैसा डालने में माहिर होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और उतने ही मेहनती भी हैं। इनके अंदर एक कमी होती है कि यह बहुत जल्दी लोगों से, बहुत जल्दी चीजों से उब जाते हैं। देखिए लोगों की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन एक काम करते करते ये बहुत जल्दी उब जाते हैं। इनको हर चीज में एक इनोवेशन चाहिए, एक नया काम चाहिए। बहुत अच्छे मित्र होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, बहुत अच्छे एडवाइस देने वाले होते हैं, यानी सलाह देने का काम भी बहुत अच्छा करते हैं। कि मिथुन लगन वह दूसरा लगन है जो कि बहुत समझदार होता है, इसलिए क्योंकि यह बुध का लगन है और बुध जो है ज्ञान भी देते हैं, बुद्ध बुद्धि को भी दिखाते हैं और बुद्धि यूज करने का तरीका भी देते हैं। शक्तिशाली इसीलिए क्योंकि उसके नवम भाव में शनिदेव की राशि है जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, और वह दिखाते हैं कि कंसिस्टेंसी से किस तरह आपको मेहनत करनी है। समझदार इसीलिए क्योंकि यह बुध की राशि है, तो समझदार और शक्तिशाली डेफिनेटली ये सफलता की ओर तो आप बढ़ोगे ही बढ़ोगे। दूसरा जो यह मिथुन लगन बुध से प्रभावित एक लगन है, जिसका जो स्वभाव होता है कि वह स्वभाव घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं, अलग अलग चीजों को ट्राई करना, अलग अलग जगह पर जाना, घूमने खाने पीने के ये बहुत शौकीन होते हैं, बोलने में और अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। अगर ये आपसे बातचीत करते हैं तो उनके जो वर्डिंग होती है ना वह इतनी बैलेंस होगी कि जल्दी इनकी बातें किसी को चुभती नहीं है, लेकिन हम मुंह फटोते हैं, जो दिल में होता है वही जुबान में होता है, परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर गुजरने के लिए क्षमता रखते हैं। और तीसरे भाव में यानी कि पराक्रम भाव में सूर्य की राशि दिखाती है कि ऐसे इंसान जरूरत पड़ने पर अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। मिथुन लगन जो कि बहुत सफल माना जाता है, और डेफिनेटली इस लगन में अगर आपका जन्म हुआ तो आपको बिजनेस कंसीडर करना चाहिए, यानी कि आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में बिजनेस जरूर करना चाहिए, ना कि जब क्योंकि आप 100% अगर कोई जॉब कर रहे हो एक पॉइंट पर आप जब जाएंगे आपको बिजनेस और खास तौर पर ऐसे बिजनेस जहां पर नए नए आइडियाज का इस्तेमाल कर सके आपको वह बिजनेस जरूर करना चाहिए। सो ओवरऑल मिथुन लगन वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली होते हैं ये लोग। अब बात करते हैं तीसरे लगन के बारे में। तीसरा लगन है सिंह लगन, यानी कि आपके लगन में 5 नंबर लिखा तो आपका सिंह लगन है। यह लगन प्रभावित है भगवान सूर्य नारायण से। यह लगन 3 नक्षत्र से मिलकर बना है। पहले नक्षत्र है मगर नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, और इस नक्षत्र के अंतर्गत इस लगन में 4 चरण आ जाते हैं। दूसरा है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र है, इसके अंतर्गत भी 4 चरण आ जाते हैं। और तीसरा है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और उसका 1 चरण इसके अंतर्गत आता है। कैसे होते हैं सिंह लगन के लोग? तो सीधी सी बात है, सिंह किसका प्रतीक चिन्ह है? सिंह शेर का, और यह सभी राशियों में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगन माना जाता है। देखिए सिंह लगन सूर्य का लगन है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने वाले होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और ऐसे लोगों का जो ऑरा होता है ना वह बहुत स्ट्रांग होता है, जल्दी इनके ऊपर कोई अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। दूसरे भाव में बुध की राशि यह दिखाती है कि यह सफल वक्ता होते हैं, या जब कोई बात बोलते हैं तो जनरली आप उसको सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और जब यह कोई बात आपसे बोलेंगे तो 100% उनकी बातों का आपके ऊपर असर जरूर होगा। सिंह लगन है तो सीधी सी बात है अटेंशन सीकर होंगे। इनका यह मन रहता है कि जब यह किसी जगह पर जाएं तो लोगों का ध्यान इनके ऊपर केंद्रित हो। देखें इसको दो तरह से आप समझिए, सिंह यानी कि शेर, शेर जब जंगल में चलता है तो वह कभी यह नहीं सोचता कि मैं चल रहा हूँ कि बाकी लोग मुझे नोटिस करें। उसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वह ना चाहते हुए भी अपने आप उन्हें लोग नोटिस करते हैं। अब ऐसा नहीं कि इंसान बहुत डोमिनेटिंग होगा तो अंदर से खराब होगा, ऐसे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, और कभी अगर किसी दूसरे के ऊपर कोई मुसीबत या परेशानी देख लेंगे तो उसके सामने प्रोटेक्शन फील्ड की तरह खड़े हो जाते हैं। यानी एक इंसान होगा जो दूसरे की मदद करेगा, और यह जो होंगे ना यह दूसरे की मुसीबत को अपने ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। इनके 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि दिखाती है। यह बहुत समझदार होते हैं
और उनका इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा होता है। होने वाली घटनाओं का पूर्ण आभास इन लोगों को समझने की, परखने की इनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है। दूसरा, जब इनके पास कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, उस मुसीबत में यह अपना आपा नहीं खोते, इसे धैर्य से उस मुसीबत से ये लड़ते हैं। यह लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत होती है। कहा जाता है कि जिनका जन्म सिंह लगन में हुआ है, दे आर बोर्न टू बी किंग, दे आर बोर्न टू बी ए लीडर, मतलब राजा बनने के लिए ही पैदा हुए होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ, आपसे कहूँ कि सिंह लगन ही राजा है, ग्रहों में राजा जो वह सूर्य है जिनका यह लगन, और जो प्रतीक चिन्ह है वह शेर, वो जंगल का राजा है, तो किंगशिप का सिद्धांत तो इसमें लागू होगा ही होगा। इस वजह से इन लोगों के अंदर यह क्वालिटी जन्मजात आ ही जाती है। लोगों को लीड करना, सही रास्ता दिखाना, जो लेडीज सिंगर लगन की होती है ना, ऐसी लेडीज को आप देखिएगा कि वह अपने हस्बैंड को, मतलब कहते नहीं कि सहयोग तो सहयोग करना, कभी कभी वह अपने हस्बैंड को, उनको कई चीज़ों में प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना ज़्यादा एनर्जी रहती है, वह दूसरे को भी प्रोटेक्ट करती है। नवम भाव में मंगल की राशि दिखाती है कि इनका जो भाग्य होगा वह उनके कर्म के साथ जुड़ा हुआ होगा, जैसे जैसे ये कर्म करेंगे वैसे वैसे भाग्य सपोर्ट करेगा। दशम भाव में शुक्र की राशि दिखती है तो ये ऑब्वियसली इन लोगों को दिखावे का बहुत शौक होता है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना, दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। इनके अंदर एक कमी होती है और वह यह है कि अगर सिंह लगन के इंसान को सही चापलूसी करने वाला मिल जाए तो वह सिंह लगन वाले से वह अपना काम भी करवा सकता है जो वह करना नहीं चाहते। जो शेर होता है या जो राजा होता है उसके अंदर एक कमी होती है, अगर आपने उसकी चापलूसी सही तरीके से की तो वह आपसे बातों में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो सिंह लगन के लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसी चीज़ का फायदा उठाकर कई बार लोगों को इन्फ्लुएंस करके लोग इनसे अपना का फायदा निकलवा लेते हैं। आप बड़े अच्छे हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप तो यह काम किया बहुत ही अच्छा किया आपने यह काम, तो इनके अंदर एक जो खुशी आ गई है उसके बदले में ये जो इंसान है यह सब बोल रहा है, उसने कहा कि वह सब तो ठीक है, मेरी यह मदद भी कर दीजिए, यानी कि ऐसे पहले इनको ये खुश करके इनसे काम निकलवा देता, यानी कोई इनकी अप्रिसिएशन कर देना तो ये हमेशा उसके लिए तैयार रहता, फिर चाहे कुछ भी काम हो। राजा की क्वालिटी होती है इनके अंदर, आपने भी सुना होगा कि कई कहानियों में भी सुना होगा कि राजा की खुशामद करने वालों को राजा जो है कुछ ना कुछ देते रहते थे, समझ रहे हैं ना आप इस बात को। हालांकि यह इतने समझदार और इतने पावरफुल होते हैं कि इसे सीधा टक्कर लेने के पहले हजार बार सोचना पड़ता है। इसी वजह से सिंह लगन का जो इंसान होगा ना, हमेशा देखिएगा अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो IAS PCS यानी कि हाई लेवल की तैयारी करेंगे, और अगर IAS PCS नहीं मिल पाता तो सीधे राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। आप यकीन करिए, अगर आप ज्योतिष को थोड़े दिन अच्छे से सीखते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, आप बैठने के तरीके से बता देंगे कि यह सिंह लगन का इंसान है, उसके बैठने का तरीका इतना रॉयल होता है कि आप देखकर बता देंगे कि यह सिंह लगन का 100% की सिंह लगन का ही है, जल्दी दूसरों के सामने झुकता नहीं है ये। लेकिन अगर उनकी अपनी कोई कमी है, उससे कोई गलती हुई है तो फिर आप फ्री होते हैं। अगर किसी दूसरे के साथ भी अन्याय हो रहा है तो बीच में बोल पड़ेंगे और उसकी पूरी तरह मदद करने के लिए सोचेंगे नहीं, तो उसे सिंह लगन वालों के लिए डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि समझदारी और सफलता 100% उनके अंदर होती है, और शक्तिशाली तो वो है ही है क्योंकि ये ग्रहों के देवता सूर्य की राशि है, और सूर्य जो है ना वह ग्रहों के राजा है, प्रतीक चिन्ह है, सिंह शेर को रिप्रेजेंट करता, असल जिंदगी में भी शेर जैसे ही होते हैं, बस इनको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो इनकी चापलूसी करके इनसे अपना फायदा निकलवा सकते हैं। यानी कि वैसे तो इनकी इंट्यूशन, इनकी परख बहुत तेज होती है, पर फिर भी इनको उन लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए जो कि थोड़े बीच में, यानी कि बहुत ज़्यादा बीच में बढ़ने वाले होते हैं, ऐसे लोग चापलूसी करने वाले होते हैं, मीठे बनते हैं, इनको उन लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, अगला लगन है तुला लगन, जो कि शुक्र से संबंधित है। अगर आपकी जन्म कुंडली 7 नंबर से शुरू हो रही है तो आप तुला लगन के हैं। इसके अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, पहला नक्षत्र है चित्र नक्षत्र, जिसे मंगल का नक्षत्र कहते हैं, चित्र नक्षत्र के 2 चरण, दूसरा नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र जिसे राहु का नक्षत्र कहते हैं, इसके 4 चरण, और तीसरा नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, इसके 3 चरण इसमें आते हैं। देखिए, जो तुला लगन के लोग होते हैं ना, ये बैलेंस के लिए जाने जाते हैं। इस लगन यानी इस राशि का जो प्रतीक होता है ना, तुला राशि का, ये तुला लगन का ये तराजू है। कहते हैं कि अगर इस दुनिया में किसी इंसान का तुला लगन वाले से नहीं बनी तो उसकी फिर किसी इंसान से नहीं बनेगी, यानी कि इसका स्वभाव इतना कंपेटेबल होता है कि वह बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको उनकी बुराई करते हुए नजर आएंगे। या देखने में बहुत सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी बातें बहुत ही अच्छी होती हैं,
यानी कि बातों से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इनका स्वभाव बहुत अट्रैक्टिव होता है कि अगर आप इनके सामने खड़े होकर इनसे 10 मिनट बात करेंगे तो आप ना चाहते हुए भी उनके स्वभाव के प्रति आप एक आकर्षण महसूस करेंगे। बहुत अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, बहुत न्यायप्रिय होते हैं। कहते हैं तुला लगन वाले के जो 10 दोस्त होंगे ना, 10 के 10 दोस्त सोचेंगे कि हम की इसके बेस्ट फ्रेंड है, जबकि असलियत यह होगी कि तुला लगन वाले के लिए वह 10 के 10 लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं सिर्फ फ्रेंड ही होते हैं। कि जब यह किसी इंसान से मिलते हैं तो उनके बातचीत करने का तरीका इतना सीधा साधा होता है ना, इनका नेचर इतना बैलेंस होता है कि हर इंसान को लगता है कि यह हमको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बस हम ही उनके लिए सबसे ज़्यादा खास है। जबकि तुला वालों में ये खासियत है कि वह बैलेंस करना ही सीखते हैं, यानी कि बैलेंस ही तो सिखाते हैं। ऐसे लोग डोमिनेटिंग नहीं होते, लोग स्पष्टवादी भी होते हैं। दूसरे भाव में मंगल की राशि यह दिखाती है कि यह मुंह पर बोलने वाले होते हैं। कहते हैं कि आपके जीवन में कोई एक तुला लगन वाला दोस्त ज़रूर होना चाहिए और जो आपकी गलत होने पर आपके हाथ पकड़कर पीछे खींच सके और सही गलत का रास्ता दिखा सके। अपनी बातों को एज इट इज़ बोलने के लिए यह जाने जाते हैं। पंचम भाव में इनके शनिदेव की राशि और नवम भाव में इनके बुध की राशि यह दिखाती है कि इस मामले में भी, इस त्रिकोण में भी इनके जीवन में एक बैलेंस होता है। हार्ड वर्किंग भी होते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, वही मेहनती भी बहुत होते हैं। मतलब इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, स्मार्ट वर्क करना भी जानते हैं। इनको एक्चुअली पता होता है कि कहाँ पर हार्ड वर्क करना है और कहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। स्वभाव से जो तुला लगन का इंसान होगा वह अलग पता ही चल जाएगा कि इसका लगन जो है वह तुला लगन है। एकादश भाव में सूर्य की राशि यह दिखाती है कि ऐसे लोग अपने जीवन में किसी भी तरह से पैसे को लेकर कभी परेशान नहीं होते। अगर उनको पैसे से जुड़ा कोई प्रॉब्लम भी है तो पैसे से जुड़ा कोई काम अगर उनका अटकता है तो वह कहीं ना कहीं से अरेंज होकर उनका काम जरूर पूरा हो जाएगा, पैसे की वजह से उनका कोई काम नहीं अटकेगा। अच्छा, तुला लगन वालों की खासियत और मैं आपको बताता हूँ, ये रोने गाने वाले लोगों में से नहीं होते। अगर इनके पास कोई कमी है, इनका कोई काम बिगड़ रहा है तो ये 10 लोगों से हमारा यह काम बिगड़ गया है ऐसा इनका नेचर नहीं होता, यानी कि ये लोगों से कुछ नहीं बताते, ये चीज़ों को अपने तक रखते हैं, यानी कि अपने तक चीज़ें रखते हैं और वही आपको बताएंगे जो आपको जानना चाहिए। तुला लगन वाले इंसान के करीब आने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि वह आपसे पहली मुलाकात में ही आपको जज कर लेगा या जज कर लेगी। उसको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली कैसे हैं। अगर आप उनके साथ कंपैटिबल हैं तो ठीक, वरना इनके बावजूद आप लोगों के बीच में भले ही कम्युनिकेशन हो लेकिन एक दीवार जिसको हम कहते हैं ना, वह कम्युनिकेशन गैप वह ज़रूर रहेगा, यानी कि आपसे बातचीत भी अच्छी कर रहा होगा पर आपके करीब भी नहीं होगा और आपको महसूस भी नहीं होने देगा। शनिदेव और बुध उनके लिए सबसे ज़्यादा योगकारक प्लैनेट माने जाते हैं और इनको बैंकिंग मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट इस तरह की शुक्र से जुड़ी जो भी चीज़ें होती है ना, इनमें इनको बहुत सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। कमी के नाम पर अगर मैं बात करूं तो तुला वालों के लिए तो उनके लिए कमी बस इतनी ही होती है कि कभी कभी यह अपने ऊपर इतना कार्य का बोझ ले लेते हैं, यानी कि काम का इतना बोझ ले लेते हैं जिनको यह कर नहीं सकते। किसी इंसान ने इनसे मदद मांगी तो ये तुरंत तो उसकी मदद के लिए हाँ कर देंगे, हाँ हम तुम्हारी मदद कर देंगे, भले ही उस काम की वजह से इनको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़े। दूसरा, बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं, जो भी होता है वह स्पष्ट मुंह पर बोलने वाले होते हैं तो कई बार इसी वजह से भी इनको थोड़ा सा यह चीज़ फेस करनी पड़ती है कि आप बहुत कड़वा बोलते हैं, यानी कि लोग इनको कहते हैं कि आप बहुत कड़वा बोलते हैं, इनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। आप बहुत स्पष्टवादी हैं, हालांकि लैंग्वेज ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, बहुत न्यायप्रिय होते हैं। तुला लगन वह चौथा लगन है जिसको बहुत ज़्यादा सफल, शक्तिशाली और समझदार कहा जा सकता है। ओवरऑल तुला लगन वाले लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इन लोगों का सपोर्ट आपको लाइफ में एक इंसान ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसका कि तुला लगन होगा। इसके बाद बात करते हैं कुंभ लगन, यानी कि यदि आपके लगन में 11 नंबर लिखा हो, यानी कि 11 नंबर से शुरू हो रही है तो आपका कुंभ लगन है। यह लगन 3 नक्षत्रों से मिलकर बना। पहला नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र जिसके अंतर्गत आते हैं 2 चरण, दूसरा है सतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, इसके अंतर्गत आते हैं 4 चरण, और तीसरा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है, इसके अंतर्गत आते हैं 3 चरण। यह शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि का लगन है। पंचम भाव में बुध की राशि और नवम भाव में शुक्र की राशि बनी है। यह लगन में जिनका जन्म होता है ऐसे लोगों को किंग मेकर कहा जा सकता है या क्या कहते हैं। इसे सलाह लेकर या इनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं या दूसरे को हमेशा सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं। थोड़े से दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, बोलते कम है समझते ज़्यादा है। कई बारी अपने सामने खड़े इंसान की चलाकी को भी समझ जाते हैं लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं बोलते, उसको इग्नोरेंस करते थे, यानी कि सामने वाले को फील नहीं होने देते कि इनको पता चल रहा है उसके बारे में। इंट्यूशन पावर इनके अंदर बहुत ही गजब की होती है, इन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता।
इन्हें कोई झाड़ पर नहीं चढ़ा सकता। अगर आप पहुंचे कि इसकी चापलूसी करके, यानी कि अगर आप सोचे कि इनकी चापलूसी कर रहे हैं, अगर इसके बावजूद वह आपकी मदद करता तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वह कुंभ लग्न का और शनि का जैसा स्वभाव होता है ना कि शनि जो है बड़बोलापन वाले ग्रह नहीं है, तो ऐसे ही कुंभ लग्न का जो इंसान होता है ना अपने एक्सप्रेशन को कम कर देगा, लेकिन समझता हर चीज को है, यानी कि एक्सप्रेशन से फील नहीं होने देगा। नव भाव में शुक्र की राशि दिखती है तो फिल्म, मीडिया, टेलीविजन या इस तरह के क्षेत्र में जुड़ी चीजें, होटल, रेस्टोरेंट या ब्यूटी सौंदर्य या कुछ भी ब्यूटिशियन वाला काम, इस तरह की चीजों से जुड़े काम अगर आप करते हैं तो आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, करेगा ही करेगा। कुंभ राशि जो है ना यह डाउन टू अर्थ चीजों को भी दिखाती है। आपके पास कितना ही पैसा हो, आपके पास कितने ही वैभव हो, लेकिन आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहेंगे। ऐसे इंसान से अगर गरीब से गरीब इंसान की मदद मांगेगा, यानी कि ऐसे इंसान से अगर कोई गरीब से गरीब इंसान भी मदद मांगेगा ना, तो उसकी मदद करने से पीछे कभी नहीं हटेंगे। एक्चुअली कुंभ लग्न के लोग जो समझदार होते हैं, क्योंकि शनि की ग्रह जो है वह जो उम्र के शुरुआती पड़ाव होता है ना, उसमें वह दुख बहुत देखते हैं, या चाहे स्ट्रगल कह लीजिए, सबके साथ लागू हो रही है। आपकी लाइफ का जो फर्स्ट फेज है वह बहुत स्थिर होकर गुजरता है, लेकिन जैसे ही आप 30 या 35 इस एज के आसपास पहुंचते हैं तो आप लगातार कॉन्स्टेंट ग्रोथ करने लगते हैं, आपके जीवन में एक स्थायित्व आ जाता है। कुंभ लग्न का इंसान जितना समझदार होता है तो उसके साथ बैठेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अगर कोई व्यक्ति बहुत वाचाल है और कुंभ लग्न वाले इंसान के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी हो जाती है, तो धीरे धीरे देखिएगा कि उसकी वाचालता भी कम हो जाएगी और एक्चुअली चीज़ों को समझने लगेगा। कुंभ लग्न वाले लोगों का जो विज़न होता है ना वह बहुत क्लियर होता है, और ऐसे लोग बहुत साहित्य प्रेमी होते हैं, कविताओं का, गज़लों का ऐसा शौक हो सकता है, और इनको बहुत समझदार, ये बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इनको कंसिस्टेंसी में मेहनत करना बहुत पसंद होता है। पंचम भाव में जो बुध की राशि है ना वह उनके शार्प माइंडेड को दिखाती है, यानी कि चीज़ों को तुरंत गेन करना, तुरंत समझ जाना बहुत अच्छे से आता है। इंट्यूशन पावर इनके अंदर बहुत ही अच्छी होती है, लोगों को, यानी कि लोगों को, स्थितियों को पहले से भांप लेते हैं, समझ जाते हैं। याद रखिए, अगर आपने किसी कुंभ लग्न के इंसान को बेवकूफ़ बना दिया और आपने सोचा कि मैंने इसे बेवकूफ़ बना दिया, मेरी बातों में मैंने इसको लपेट लिया, तो यकीन करिए वह बेवकूफ़ नहीं बना, अपनी मर्जी से उसे पता था कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, वह सिर्फ आपको खुश करने के लिए बेवकूफ़ बने हैं। कई बार यह जानते हैं कि सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है या हमें फंसा रहा है, तब भी उसकी मदद कर देते हैं ये लोग, इस लिमिट तक ये अपने को भी एक सेफ जोन में रख पाए। आप समझ रहे होंगे, चीज़ों को कहते हैं ना कि बड़े हृदय का होना, ये दिखाता है। कुंभ लग्न वाले की कमी की अगर बात करूँ तो बस उनकी कमी यही है कि यह सबके साथ मिले रहते हैं लेकिन सबके साथ कटे रहते हैं। इनको एकांत पसंद है, यानी कि एकांत प्रिय है, एकांत में रहना, अकेले रहना, यह चीज़ों को इनको बहुत ही पसंद है। लेकिन कई बार होता है ना कि यह सबके साथ रहते हुए भी सबके साथ ना होना, या इनकी थोड़ी सी कमी होती है, बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह करना या एंजॉयमेंट वाली जगह में रहना, या जो जनरली जो शुक्र प्रधान लोगों के अंदर आप देखते हैं ना वह क्वालिटी इनके अंदर नहीं होती, जिसकी वजह से कई बार इनको समाज में मतलब यह सुनने के लिए मिलता है कि आप जो है घुलते मिलते नहीं है। दरअसल ये एकांत प्रिय होते हैं, वायु तत्व की राशि है तो आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है ना वह बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के कंक्लूजन तक आप पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि इनकी सोच एक हवा की तरह बहती है, और सोच के ऊपर अगर एक बार नियंत्रण कर ले, मतलब मन को एक बार स्थिर कर ले, तो बहुत सारी चीज़ों जो है ना कुंभ लग्न वाले आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट समझदार लग्न ये माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि समझदार भी है, शक्तिशाली भी है, और डेफिनेटली सफल भी है। कुंभ लग्न के अगर आप हैं तो आप यह जान लीजिए कि आपको अपने लाइफ में फर्स्ट फेज जो होगा ना आपका, सफलता नहीं मिल रही तो लगे रहिए, यानी कि सेकंड फेज में डेफिनेटली शनिदेव आपको, यानी कि शनिदेव अगर आपके लग्नेश है तो समाज में आपका नाम होगा, समाज में आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आगे आप ग्रोथ करेंगे। इसी के साथ साथ आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और हमेशा हनुमान जी की लगातार आप पूजा करते रहिए, आपके लिए बेनिफिशियल, अपनी लाइफ में बहुत ऊपर बढ़ने के लिए आपकी उम्र बढ़ेगी, डेफिनेटली आप और सफलता के ऊपर आप आगे की आगे बढ़ते ही जाएंगे। हनुमान जी की उपासना आपके लिए बहुत ही अच्छी है। सो ये था आज 5 लग्नों के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आता है, कुछ भी आप रिलेट कर पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।